गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं दीपक कुमार आज आपके लिए केमिस्ट्री का लेक्चर लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार एसआई और बीपीएससी जो एग्जाम है और यूपीएसआई का जो एग्जाम है, तो इन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग मेन अपना यहाँ पे क्लास स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है। और इसमें अभी तक हम लोग जो है बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट कर चुके हैं और यहाँ पे जो है आपका हिस्ट्री का भी, मॉडर्न हिस्ट्री जो है, आधुनिक भारत का इतिहास, ये भी लगातार चल ही रहा है, ठीक ना। तो हम सोच रहे हैं कि अब क्या है ना कि सप्ताह में 3 दिन हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे और 3 दिन हम सोच रहे हैं कि उसी टाइम पे आपका केमिस्ट्री भी चलता रहे साथ के साथ में, तो केमिस्ट्री और बायो दोनों लगभग से साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा, तो हम ऐसा सोच रहे हैं, ठीक ना। तो इसीलिए ध्यान देना है कि अब जो है यहाँ आज से जो है हम लोग यहाँ पे मतलब केमिस्ट्री का भी सफर प्रारंभ करते हैं। केमिस्ट्री भी अब आपको सप्ताह में 3 दिन लगातार मिलते रहेगा, ठीक है। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का पहला वीडियो जो है स्टार्ट करेंगे, पहला क्लास लेंगे जिसमें हम लोग मेन केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे, कुछ बेसिक जो चीजें हैं जो प्रश्न के रूप में आपसे एग्जाम में भेंट हो सकती है, तो इन सभी चीजों को आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अधिक से अधिक मित्रों के पास में वीडियो को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग जो है हमारे YouTube फैमिली में जुड़ सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए यहां पर हमको मेन आज स्टार्ट क्या करना है भाई, तो ये स्टार्ट करना है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में केमिस्ट्री, क्या कहते हैं भाई, इसी को केमिस्ट्री कहते हैं। ध्यान से समझना, सबसे पहली बात कि आखिर ये जो केमिस्ट्री है ये किस बीमारी का नाम है, केमिस्ट्री है क्या, ये तो समझना पड़ेगा ना। तो देखो ध्यान से समझो, केमिस्ट्री जो है ये ग्रीक भाषा का एक यहाँ पे शब्द है जिसका नाम है केमिया, ठीक ना। तो केमिया से ही मेन जो है उत्पत्ति किसका हुआ है, केमिस्ट्री का। केमिया का मतलब होता है काला, केमिया का मतलब क्या होता है, काला। खैर ध्यान से समझिए, मेन हम लोग को इन सारी चीजों से कोई विशेष मतलब है नहीं, ये परीक्षा में कबो नहीं पूछेगा कि केमिस्ट्री का उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है, लेकिन बेसिक जो चीज था वो हमको बता दिए, केमिया शब्द से उत्पत्ति हुआ और केमिया का अर्थ क्या होता है, काला होता है, ठीक ना। तो हम लोग को इससे ज्यादा मतलब नहीं रखना है। हाँ एक प्रश्न बनता है कि रसायन शास्त्र जो इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, तो इसकी उत्पत्ति जो है मेन आप ध्यान रखिएगा कि मिस्र जो है ना, तो मिस्र के क्षेत्र में मेन इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक ना। केमिस्ट्री जो है तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहां से माना जाता है, तो ये मिस्र के क्षेत्र से केमिस्ट्री की उत्पत्ति मानी जाती है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है इसलिए हम आपको बता दिए, ठीक। अब देखो मेन हम लोग को समझना है कि भैया ये रसायन शास्त्र क्या होता है, रसायन शास्त्र क्या होता है। तो देखो हम आपको समझा दें कि एक होता है ब्रह्मांड, क्या होता है भाई, ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड होता है, ठीक ना। इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड जो है दो चीजों से मिलकर के बना होता है जिसमें एक होते हैं आपके पदार्थ, एक क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं, और दूसरे होते हैं यहां पर ध्यान दीजिए ऊर्जा, दूसरे क्या होते हैं, ऊर्जा, समझ गया ना, एक होता है पदार्थ और एक होता है ऊर्जा, ठीक। तो देखो ये पदार्थ और ऊर्जा जो है ना, तो पदार्थ और ऊर्जा के बीच में जो संबंध होता है, तो इस संबंध का मेन यहां पे ध्यान देना है कि संबंध का जो अध्ययन है ना वही क्या कहलाता है, उसी को हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। पदार्थ और ऊर्जा के बीच में संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। इसमें और ध्यान से समझो, इसमें केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, तो किसी भी पदार्थ की मेन यहां पर संरचना को पढ़ते हैं, ठीक ना, संगठन पढ़ते हैं, बनावट, इसके बाद में इसके हम लोग गुण पढ़ते हैं, ठीक ना। तो ये सारी चीजें जो है ये हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि केमिस्ट्री क्या है तो क्या कहोगे, कि केमिस्ट्री जो है, जो रसायन शास्त्र है, तो वो विज्ञान का एक ब्रांच है, विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम लोग पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं। बस छोटा सा डेफिनेशन कि केमिस्ट्री में कौची के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो केमिस्ट्री जो है पदार्थों के बारे में इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं, समझ गए सब लोग। केमिस्ट्री में किस चीज के बारे में अध्ययन करते हैं भाई, तो पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, ये समझ में आ गया ना सबको। अब देखो, अब ध्यान दीजिए
ये तो क्लियर हो गया सबका। अब यहाँ पे मेन जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो समझिए कि केमिस्ट्री जो है, तो केमिस्ट्री में हम लोग पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं, ये तो सबको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे बात को समझना है कि मेन हम क्या बताएं कि पदार्थ के संरचना, संगठन और गुण का अध्ययन करते हैं। देखो अब इसमें एक बेसिक चीज और समझिएगा, प्रश्न कभी कभी ये भी पूछता है कि रसायन शास्त्र के जनक कौन है, तो अगर रसायन शास्त्र के जनक पूछे तो ये कौन हो जाएंगे, लाबवाजे हो जाएंगे, लाबवाजे, या इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया, इसको लेबोजियर कहते हैं, ठीक ना, इंग्लिश मीडियम वाला इसको क्या कहता है, इसको कहता है लेबोजियर। तो देखो हम उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। केमिस्ट्री क्या है भाई, तो केमिस्ट्री जो है वो पदार्थों के संरचना, संगठन और गुण का अध्ययन क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। केमिस्ट्री के जनक कौन है, ये है मेन यहाँ पे लाबवाजे या लेबोजियर, क्लियर है ना, इतना सबको समझ में आ गया। अब देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसके बाद में थोड़ा सा हम आपको बता दें कि हम क्या बताए हैं कि केमिस्ट्री में हम लोग जो रसायन शास्त्र जो है इसमें हम लोग मेन पदार्थ के गुण का भी अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो गुण है ना, तो किसी भी पदार्थ के दो प्रकार के गुण होते हैं, किसी भी पदार्थ के गुण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं भाई, तो दो प्रकार के, जिसमें से एक जो है वो हो जाता है आपका भौतिक गुण, क्या होता है भौतिक गुण, और एक जो है इसको हम लोग कहते हैं रासायनिक गुण। तो देखो किसी पदार्थ के मुख्य रूप से कितने प्रकार के गुण होते हैं, दो प्रकार के, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, क्लियर है। अब देखो भौतिक गुण में किसको रखेंगे भाई, भौतिक गुण क्या है, तो भौतिक गुण में देखिए जो पदार्थ की अवस्था होती है, पदार्थ की अवस्था, तो पदार्थ की अवस्था क्या है, इसका भौतिक गुण है, सुने हो ना, ठोस द्रव गैस, तो ठोस द्रव और गैस क्या है, पदार्थ की अवस्था है, तो ये क्या होती है, ये इसका भौतिक गुण होता है, ठीक ना, ठोस द्रव और गैस क्या है, पदार्थ का भौतिक गुण है, ठीक ना। इसके बाद में ध्यान देना है कि जो रंग होता है, जो उसका गंध होता है, जो उसका स्वाद होता है, ठीक ना, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये किसी पदार्थ की भौतिक जो गुण है उसके अंतर्गत रखी जाती हैं। इसी में आप जो है यहां पे क्वथनांक रख लीजिए, क्वथनांक, गलनांक, तो ये सारी चीजें क्या होती है भाई, तो ये सारी चीजें जो ये भौतिक गुण के अंतर्गत रखी जाती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना सकता है कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का भौतिक गुण नहीं है, इसमें दे देगा आपका पदार्थ की अवस्था, रंग, गंध, और इसमें लास्ट में दे देगा रासायनिक अभिक्रिया, तो ये क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया जो आपका भौतिक गुण नहीं होता है, ठीक ना। तो भौतिक गुण में किसको रखोगे, पदार्थ की अवस्था, रंग, गंध, स्वाद, क्वथनांक, गलनांक, ओसांक, इसके बाद में हिमांक, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये जो है ये पदार्थ के भौतिक गुण होते हैं, क्लियर है ना। अब देखो रासायनिक गुण की बात करें तो रासायनिक गुण में मेन ध्यान रखना है कि जो भी रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया कोई पदार्थ करता है, कोई पदार्थ जो है, तो कोई पदार्थ क्या रासायनिक अभिक्रिया करता है, कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया करता है, उसी को हम लोग मेन क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग इसका रासायनिक गुण कहते हैं। साथ ही साथ इसमें हम लोग देखते हैं कि जो मेन आबंध है, ठीक है ना, आबंध, तो मेन पदार्थ जो है उसमें कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, ये भी क्या रासायनिक गुण के अंतर्गत आएगा। साथ ही साथ हम लोग रासायनिक गुण के अंतर्गत अगर और देखें तो इसमें मेन ये जो पदार्थ का संगठन है ये भी आपका हो सकता है। तो ये सारी चीजें हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, तो ये हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे रासायनिक गुण के अंतर्गत। तो देखो भौतिक गुण में क्या क्या हो जाएगा, पदार्थ की अवस्था, रंग, गंध, स्वाद, क्वथनांक, गलनांक, हिमांक, ओसांक, ये सब हो जाएगा इसका भौतिक गुण। रासायनिक गुण में क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया, आबंध और संगठन, ठीक ना, ये सारी चीजें क्या होती है, इसके रासायनिक गुण के अंतर्गत रखे जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं इतना चीज समझ में आ गया होगा सबको, समझ में आ गया ना, है सबको समझ में आ गया इतना, तो बताइए जल्दी से सबको समझ में आ गया है। अब देखो लाबवाजे से रिलेटेड एक और आप यहां पे जो है फैक्ट याद रखिएगा, ठीक ना, लाबवाजे से रिलेटेड, लाबवाजे जो है इन्होंने एक यहाँ पे बुक लिखा था और इनके बुक के बारे में भी पूछता है, तो इनके बुक का नाम था द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक ना, इनकी बुक का नाम क्या था भाई, तो इनकी बुक का नाम था द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें इन्होंने सबसे पहले पहले कुछ पदार्थों के बारे में बताया था
और इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, इसीलिए इनको हम लोग यहाँ पे रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं। क्लियर है ना, सबका क्लियर है? चलो इतना चीज बाबू जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम इससे आगे की चीजों को देखेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। देखो भाई, देखो अब जो है मेन हम लोग देखेंगे कि रसायन विज्ञान जो है इसके कुछ ब्रांचेज हैं, ठीक ना। रसायन विज्ञान जो है तो रसायन विज्ञान की शाखाएं, ठीक है। तो देखो भाई, रसायन विज्ञान के मुख्य रूप से तीन ब्रांचेज जो है हम लोग देखते हैं, जिसमें से एक हो जाता है यहां पे आपका भौतिक रसायन। क्या होता है भाई, एक होता है भौतिक रसायन, दूसरा जो ये होता है आपका यहां पे अकार्बनिक रसायन, ठीक ना, और लास्ट होता है यहां पे कार्बनिक रसायन, ठीक ना, कार्बनिक रसायन। ये तीनों के बारे में बस थोड़ा सा डेफिनेशन याद कर लीजिए, एक दो फैक्ट है उसको याद रखना है बस, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो भौतिक रसायन की अगर बात करें तो ध्यान से समझिएगा, केमिस्ट्री में जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी चीजें होती हैं, तो वो उनके जो नियम होते हैं, जो भी चीजें होती हैं केमिस्ट्री में, तो उनके जो नियम होते हैं उन नियमों का अध्ययन क्या कहलाता है, भौतिक रसायन, ठीक ना। तो देखो रसायन विज्ञान जो है ना भाई, तो रसायन विज्ञान के नियमों का अध्ययन जो है ना मेन, नियमों का अध्ययन, तो रसायन विज्ञान के नियमों का अध्ययन मेन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है भौतिक रसायन। जो ना मैं ओकर नियम पढ़ोगे ओकरा क्या कहोगे, भौतिक विज्ञान, भौतिक रसायन। अब देखो अकार्बनिक क्या है, तो देखो इसमें ध्यान देना है कि जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं, ये अकार्बनिक यौगिक जो है, तो अकार्बनिक यौगिक का अध्ययन जो करते हैं हम लोग, तो अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन क्या कहलाता है, अकार्बनिक रसायन। ठीक इसी प्रकार से यहां पर समझिएगा कि जो भी कार्बनिक यहां पे होंगे, ठीक ना, तो कार्बनिक यौगिक जो होंगे, तो कार्बनिक यौगिक का जो हम लोग यहां पे अध्ययन करेंगे, तो कार्बनिक यौगिक का अध्ययन क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा कार्बनिक रसायन, ठीक ना। देखो ये बेसिक चीजें हैं, इसमें माथा पेची करने की जरूरत नहीं है। कार्बनिक यौगिक का अध्ययन क्या कहलाएगा भाई, ये कार्बनिक रसायन। अकार्बनिक यौगिक का अध्ययन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अकार्बनिक रसायन। अब ये अकार्बनिक यौगिक के अध्ययन में क्या क्या पढ़ेंगे, तो अकार्बनिक यौगिक का बनावट कैसा है भाई, माने संगठन, इसके बाद में उसके गुण क्या है, ठीक ना, उसके निर्माण की विधियां क्या है, तो ये सारी चीजें जो है इसको हम लोग अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत पढ़ेंगे। कार्बनिक रसायन में सेम वही चीज कि वो कैसे बना है, उसके रासायनिक जो है वो गुण क्या है, उसके भौतिक गुण क्या है, इसके बाद में मेन हम लोग देखेंगे कि उसकी बनावट कैसी है, तो ये सारी चीजें जो है हम लोग किसमें पढ़ेंगे, कार्बनिक रसायन में। कार्बनिक यौगिक के अंतर, कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ना होगा तो कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ना होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अकार्बनिक रसायन, ठीक ना। अब देखो सवाल ये है कि भैया ये कार्बनिक अकार्बनिक क्या होता है, तो ठेठ भाषा में तुमको थोड़ा सा बता दे रहे। देखो कार्बन के सभी यौगिक, ठीक ना, कार्बन के सभी यौगिक कौन कौन है छोड़ के, तो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इतना के छोड़ के कार्बन के जितना यौगिक है वो सब क्या कहलाता है, कार्बनिक यौगिक। क्लियर है ना, कौन कौन छोड़ के, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इसके बाद में हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये चारों के छोड़ के बाकी जितना तुम्हारा रहेगा कार्बन से निर्मित यौगिक, जो नाम कार्बन रहेगा एज ए एलिमेंट, तो उस सब यौगिक को क्या कहोगे, उसको तुम कहोगे कार्बनिक यौगिक, ठीक ना, उसको क्या कह दोगे, कार्बनिक यौगिक। यानी कि कार्बन के जितने भी यौगिक होंगे उनको क्या कहेंगे हम लोग, कार्बनिक यौगिक, कौन कौन छोड़ के, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ के, ठीक ना। अब देखो हो जाएगा, अब देखिए मेन यहां पे ध्यान देना है कि अब कार्बनिक यौगिक तो हम लोग समझ गए,
कार्बनिक यौगिक के बाद में अकार्बनिक किसे कहेंगे? तो जितना कार्बनिक है ओकरा के हटा दो, अब बाकी जितना बच जाएगा वो सब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक में मेन कार्बन से निर्मित यौगिक को नहीं रखते हैं, कौन कौन के? तो इसमें देखो कार्बन के यौगिक को नहीं रखेंगे, लेकिन फिर भी कार्बन के कुछ यौगिक ऐसे हैं जिनको रखा जाता है, जिसमें जैसे हम बताए ना कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये चारों को कार्बनिक में नहीं रखते हैं, तो एकरा कौन हम रखेंगे? इसमें रखेंगे अकार्बनिक में। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। अब देखो इसके बाद में यहाँ पे एक और प्रश्न याद रखिएगा कि देखो यानी के दोनों के माई बाप तो वही लेबोजियर हो जाएंगे, यानी के दोनों के माई बाप कौन हो जाएंगे भाई? लेबोजियर। यानी के दोनों के जनक कौन हो जाएंगे? लेबोजियर। लेकिन जो कार्बनिक रसायन है इसके अगर हम जनक की बात करें तो इसमें ध्यान देना है कि इसके जनक जो है ये है फ्रेडरिक वोहलर। इसके जनक कौन है भाई? तो इसके जनक है फ्रेडरिक वोहलर, ठीक ना। कार्बनिक रसायन के जनक कौन है? तो ये है फ्रेडरिक वोहलर। क्लियर है सबका? सबको समझ में आ गया ना। चलो तो ये जो है आप जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम फटाफट जो है इसका सिलेबस डिस्कस कर दे रहे हैं और तब जाके हम लोग का आज का जो क्लास है वो समाप्त हो जाएगा। जल्दी से भाई इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए तो अभी तक हम लोग केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए। अब देखो इसके बाद में हम लोग यहां पे क्या डिस्कस करने वाले भाई? सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम, ठीक ना, पाठ्यक्रम डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें जो आपका सबसे पहला जो आप यहां पे पढ़िएगा वो पढ़िएगा पदार्थ के बारे में। सबसे पहले क्या पढ़ोगे भाई? पदार्थ, पदार्थ के बारे में पढ़ोगे, ठीक ना। पदार्थ के बारे में पढ़ने के बाद में जो आपका सेकेंड जो इसमें चैप्टर होगा वो हो जाएगा आपका मिश्रण तथा विलयन। क्या पढ़ोगे भाई? मिश्रण तथा विलयन पढ़ लोगे, क्योंकि ये भी पदार्थ, मिश्रण जो है ये भी आपका पदार्थ में ही आ जाता है, ठीक ना, वो आपको हम बता देंगे उसमें। तीसरा जो आप पढ़िएगा इसमें आप पढ़िएगा अम्ल क्षार और लवण, अम्ल क्षार और लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसमें क्या हो जाएगा आपका? मिक्सर एंड सॉल्यूशन, ये हो जाएगा आपका मेटल्स। अब देखिए इसके बाद में अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये है आपका यहां पे परमाणु संरचना। क्या पढ़िएगा? परमाणु संरचना पढ़िएगा। परमाणु संरचना के बाद में अगला जो आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है आपका यहां पे रेडियो सक्रियता। क्या हो जाएगा? रेडियो सक्रियता। क्या हो जाएगा? रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता के बाद में आप पढ़िएगा रासायनिक आबंध। क्या पढ़िएगा? रासायनिक आबंध पढ़िएगा, ठीक ना। रासायनिक आबंध के बाद में जो है आप पढ़िएगा यहां पे रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या पढ़िएगा? रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़िएगा, ठीक ना, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के बाद में जो अगला आपका यहां पे चैप्टर होगा वो हो जाएगा आपका यहां पे आवर्त सारणी। क्या हो जाएगा भाई? तो अगला जो है आपका यहां पे हो जाएगा आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, ठीक ना, आवर्त सारणी हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना, आवर्त सारणी। अरे छह नहीं लिखे क्या भाई? छह सात, ये हो जाएगा आपका आठ। अब देखो आवर्त सारणी के बाद में अगला जो होगा आपका चैप्टर वो समझिए, तो अगला जो आपका चैप्टर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका धातु अधातु और उपधातु, ये हो जाएगा आपका अगला चैप्टर। इसके बाद में अगर हम इससे आगे जब आपको बताएं तो इसके बाद में आप पढ़िएगा हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ोगे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बाद में अगला जो आप पढ़िएगा
वो हो जाएगा आपका कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़िएगा। कार्बनिक यौगिक के बाद में अगला जो आप पढ़ने वाले हैं वो हो जाएगा आपका ईंधन। ईंधन हो जाएगा। इसके बाद में आप पढ़िएगा सीमेंट, कांच और उर्वरक, ये आपका अगला चैप्टर। और लास्ट जो आप पढ़िएगा वो आपका हो जाएगा यहां पे नाभिकीय रसायन। नाभिकीय रसायन, ठीक है। तो ये इतने सारे चैप्टर्स जो है ये हम लोग को यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक ना। इतना सारा जो चैप्टर है ये हम लोग को केमिस्ट्री में जो जनरल आपका जो साइंस है इसके अंतर्गत इतने सारे चैप्टर को हम लोग को पढ़ना होगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने अधिक से अधिक मित्रों के पास में शेयर करिएगा। चलिए आज के क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।